हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपकी बैंक फाइन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और कल का मार्केट एक ज़बरदस्त मार्केट की तरह आपको वर्क करता हुआ मिलेगा। तो देखने वाली बात है कि कल के मार्केट में किस तरीके से वर्क हो सकता है। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें मार्केट आज अगर हम 15 मिनट के ऊपर मार्केट को देखें तो मार्केट ने केवल और केवल आपको ट्रैप किया होगा। केवल और केवल मार्केट ने आपको ट्रैप किया होगा। मार्केट मॉर्निंग के अंदर इस जगह ओपन होता है, 43,750 के आसपास ओपन होता है और यहीं से, ये तो ओपनिंग को तो छोड़ ही दीजिए, मार्केट फुल टू फुल रेंज के अंदर ऊपर की तरफ 43,680 का लेवल, ठीक है, और नीचे की तरफ बात करें तो 43,600 का लेवल। तो ये बैंक निफ्टी देख रहे हो सर आप, ये बैंक निफ्टी है जो आपकी 80 पॉइंट के अंदर आज मार्केट घूम रहा था। काफी दिनों से ऐसा हो रहा है, काफी दिनों से ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं, काफी दिनों से इसी तरीके से मार्केट चल रहा है, ट्रैप करता हुआ लोगों के पैसे खाता हुआ। देखिए, कई नए लोग आए होंगे यहां पर और मैं क्या है, सुनो मेरी बात, हुआ मैं भाई साहब, मैं आपको ये नहीं बोल सकता है कि यहाँ से इधर से ये मूव आई थी, इधर से ये मूव आई थी, इधर से ये मूव आई थी। अरे यार, घंटा मूव आई थी क्या? दो दो मिनट के अंदर भाई साहब 10-10, 20-20 पॉइंट को आप मूवमेंट बोलते हो? रियल कोई बताना ही नहीं चाहता कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, बस सब तोते उड़ाते हैं, चाहे खुद का माइनस हो, पर हाँ मार्केट के अंदर हमने तोते उड़ा दिए, घंटा उड़ा दिए तुमने तोते। तो दोस्तों, मार्केट कुछ ऐसा ही है, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है और जब तक मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होगी तब तक किसी भी कीमत पर पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, सेलर नहीं। ये मार्केट है ऑप्शन सेलर्स के लिए, प्रीमियम डीके करने के लिए। 200 की चीज बेच दी, 150 की हो गई, 50 पॉइंट मिल गए, तो ये मार्केट ऑप्शन बायर का है ही नहीं। एक्चुअल में अगर मेरे मन से पूछा जाए तो आज हमने ट्रेड ली नहीं, हमने केवल और केवल फाइन निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग की थी, वो भी 4 स्कैल्पिंग की थी, 20-20 पॉइंट मिले बस, पर बहुत है जो मिल गया, बहुत है। क्योंकि भाई साहब 80 पॉइंट की रेंज के अंदर आपकी बैंक निफ्टी घूम रही है, घंटा लोगे 20 पॉइंट मिल रहा है और क्या चाहिए, लोगे क्या, भागते चोर के रूंगटे आता गए और क्या चाहिए। तो दोस्तों, कल एक वीडियो डाला था, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफी लोगों ने देखा, काफी लोगों के समझ में आया। मैंने आपको उसके अंदर वीडियो के अंदर बताई थी ऑप्शन राइटर्स के बारे में, राइटर्स की एक स्टोरी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो तो ये हमारा चैनल है देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से, आप ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जहां पर एजुकेशन पर्पज से मैं आपको ट्रेड देता हूं, ठीक है। और कल का ये वीडियो था, अगर किसी का मन करे, दिल करे, समझना चाहते हो मार्केट कैसे चलता है। अभी आपने क्या है, मार्केट को ऊपर की तरफ से देखा है, मार्केट की गहराई अगर समझना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना, 40 मिनट का वीडियो है, हो सकता है आपके लिए 40 मिनट काफी हो, पर ये 40 मिनट आपको बहुत कुछ समझा कर जाएगा अगर आप सीखते हो तो, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि मैं इस वीडियो पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मैंने इसे अपनी लाइफ के, आपके लिए 40 मिनट का वीडियो है, मेरे लिए हो सकता है ये 48 घंटे की मेहनत हो। क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये तो है ही नहीं कि आप कुछ भी बोल दो वीडियो के नाम पे और कोई कुछ भी देख लेगा, सब खाना खाते हैं, तो उसके ऊपर पहले रिसर्च होती है, आपकी आपका एक्सपीरियंस काम आता है, मेन चीज है एक्सपीरियंस, तो वो है इस वीडियो के अंदर अगर आप देखते हो, समझते हो, सीखते हो तो। अगर आप देखते हो, सीखते हो, समझते हो तो। कल मैंने आपको एक चीज इसी वीडियो के अंदर, इस वीडियो को देखना, इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, 44,000 की पुट, और मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर अभी एक खेल होना बाकी है। कैसे बताया था, ये आज इसकी ओपनिंग होती है 350 और 350 से ये जाती है 500, ठीक है,
और आज तो खैर मार्केट के अंदर मूवमेंट थी ही नहीं, अगर कल मूवमेंट होगी तो इस ट्रेड का मैजिक मैं बताऊंगा आपको, इस ट्रेड का मैजिक मैं बताऊंगा आपको कि ऑप्शन राइटर किस तरीके से गेम खेलते हैं, इस ट्रेड का मैजिक कल देखने को मिल सकता है आप, कल टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी एक ट्रेड मैंने मॉर्निंग के अंदर आपको अपडेट किया था, फाइन निफ्टी की 19,600 की पुट, उस टाइम पर ये चल रही थी 90 या 92 के आसपास। इसने फर्स्ट अपना हाई लगाया 125, उसके बाद में वापस ये 90 के आसपास गई और फिर ये 90 से इसने अपना हाई लगाया 141। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको कल के वीडियो में दे रखा है, इसकी ट्रेड 19,600 की पुट फाइन की 19,600 की पुट मैंने आपको दे रखा है और मैंने आपसे कह रखा है कि 144 से लेके 166 तक इसका लेवल है। जब कभी ये इस रेंज के अंदर घूम जाए 15 मिनट और 15 मिनट घूमने के बाद 166 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो आज भी मैं अपने लेवल के ऊपर अडिंग हूँ, और तब तक रहूँगा। कब तक रहूँगा? कल जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता 3:30 तक। ये अलग बात है कि ये 140 से घूम गई, या कल भी हो सकता है ये 141 145 से वापस घूम जाए, उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेड इस रेंज के अंदर घूम जाए थोड़ी देर 15-20 मिनट, उसके बाद में 166 को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तब आप इस ट्रेड का मैजिक देखना। जरूरी नहीं है आप इसको बाय करो, नजर रखना, आपको पता चल जाएगा कि देव चीज क्या है, ठीक है। और ये ट्रेड मेरे लिए 3:30 तक जिंदा है, जब तक मार्केट है तब तक ट्रेड है। तो आप यहाँ जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कल की। देखिए दोस्तों, कई बार वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि जब तक आपकी बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के अबाव, 280 पॉइंट से अबाव अगर मार्केट आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फिर उस दिन ये समझ लेना, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना कि आज ट्रेड नहीं करनी है, आज काम नहीं करना है। क्योंकि ये वो स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी है स्ट्रेटेजी, क्या है सिंपल सी बात क्या है कि बैंक निफ्टी जब तक 300 पॉइंट की रेंज के अंदर रहेगी तब तक काम करना ही नहीं है। 300 पॉइंट के अबाव या तो हाई से नीचे की तरफ अगर जाए, 300 पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो काम करना है, या नीचे कोई लो लगाया है, लो से ऊपर की तरफ जाके अगर 300 पॉइंट के ऊपर काम कर रही है तो काम करना है। बैंक निफ्टी अगर आज का हाई अगर आज का देखा जाए मॉर्निंग का 43,750 है और नीचे की तरफ अगर लो देखा जाए तो 43,550। कितने पॉइंट की मूवमेंट है? ओनली ऑन 200 पॉइंट की मूवमेंट। जो भी आपकी मॉर्निंग के अंदर उठापटक के अंदर, मार्केट जब ओपन होता है तो थोड़ा उठापटक करता है, पर परफेक्ट एक बाइंग का एरिया होता है वो होता है आपका लगभग 10:30 बाद। मार्केट 10:30 बाद एक अच्छे खासे जो ऑप्शन बाइंग बायर है एक अच्छी खासी तरीके से काम करना जानता है, उसके लिए तो 10:00 बाद ही मार्केट है। और उसके बाद में क्या हो जाता है, 80 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर मार्केट घूम जाता है 43,680 नीचे की तरफ 43,600। क्या उखाड़ोगे मार्केट से? कुछ उखड़ने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि छोड़ो रे यार, मार्केट के ऊपर बात करते हैं। तो लेवल सुन लीजिए कल के, वैसे तो चल नहीं रहा लेवल क्योंकि मार्केट लेवल के पास जा ही नहीं रहा, तो लेवल चलेगा कैसे? लेवल कल के लिए आपके लिए रहने वाले हैं ये वाले, आज का मार्केट का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेवल रहे 43,820 का ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आपका लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है 43,588 का। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे का कुछ सीन दिख नहीं रहा, पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जाने के बाद ऊपर लोगों को फंसा के एक नीचे की तरफ एक मूवमेंट दे सकता है अच्छी खासी, दिख रहा है।
पर कल के बारे में एक चीज सुन लो, जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी, लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो 43,380 का लेवल दिखेगा और इसके बाद में आपको दिख सकता है 43,080 का लेवल, ठीक है। बात करें मार्केट के अंदर ऊपर की साइड की, तो ऊपर की साइड का सीन ऐसा है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन बनी हुई है। अगर मार्केट कल के दिन इसको अगर फॉलो करता है, कल के दिन अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को फॉलो करता है और इसके ऊपर निकलता है, तो निकलने के बाद सडनली आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। मैंने आपको लेवल दिया है 43,820 के बाद का लेवल रहे आपका ये। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसमें एंट्री कब लेनी है, या तो मार्केट वापस इस ट्रेड लाइन को एक बार रिट्रेसमेंट ले 43,650 के आसपास, ठीक है। फिर यहां से एन पैटर्न बनाता हुआ, ये एन पैटर्न बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ निकले, यहां से ऊपर की तरफ निकलने लगे, तो आप एंट्री बना सकते हो इस जगह, ओनली ऑन रिस्की ट्रेडर, ठीक है। सेफ ट्रेडर के लिए मार्केट आपका 43,820 के ऊपर ही है, उसके बाद में आपको मूवमेंट मिल सकती है लगभग ये वाली 43,900 के आसपास की, उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है। और जो फायर लेवल है मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ, वो है 44,054 का लेवल। मैं कभी मार्केट के अंदर आपको कैंडल के ऊपर बात नहीं करता हूँ। आपने सुना होगा कई यूट्यूबर बात करते हैं कि एक हैमर बन गई, एक शूटिंग स्टार बन गई, ये बन गया बाबा जी, घंटा बन गया, उसको हिलाते फिरो, भैया कुछ भी लेना देना नहीं है। कहीं शूटिंग स्टार बनती है, कहीं हैमर बनती है, पर क्या वर्क करती है ये? क्या वर्क करती है? मार्केट के अंदर केवल और केवल 6 प्रकार की कैंडल वर्क करती है, जो केवल ये दिखाती है कि राइटर अब क्या करना चाह रहा है। बस मैं चार्ट को केवल और केवल इसलिए वॉच करता हूं कि मुझे कैंडल से ये पता चलता है कि वो मूवमेंट क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला, उसकी सोच क्या है, क्योंकि कारण क्या है कि वो मार्केट के अंदर पैसा या तो डालेगा या निकालेगा। राइटर एक ही काम करेगा, अगर मार्केट को हिलाना है राइटर को किसी भी साइड की अगर एक मूवमेंट देनी है, डाउन साइड या अप साइड, तो राइटर मार्केट के अंदर या तो किसी पोजीशन से, बिग पोजीशन से एग्जिट होगा, या बिग पोजीशन के अंदर एंट्री बनाएगा। तो केवल और केवल आप वो, जब वो ये करता है तो उसके बेस पर मार्केट के अंदर ये निशान बनते हैं। क्या बनती है? आपकी कैंडल्स, जिसे आप हैमर कैंडल बताते हो, शूटिंग स्टार कैंडल बनाते हो, ये बताते हो, वो बताते हो। तो मैं कैंडल्स को देखकर ट्रेड नहीं लेता, मैं केवल कैंडल्स से ये अनुमान लगाता हूं कि अब वो बंदा करना क्या चाह रहा है, खेल क्या खेलना चाह रहा है, बस अंदाजा हो जाए एक बार, बस। तो ये था, बाकी अब बात कर लेते हैं आपकी फाइन निफ्टी के बारे में। कल की एक्सपायरी रहने वाली है, इन सबको हटा देते हैं क्योंकि आपको यहां कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सिंपल से लेवल है नीचे की तरफ, कल फाइन निफ्टी आपकी नीचे की तरफ 19,400 के आसपास डाउन आ सकती है, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अगर फाइन निफ्टी आती है कोई डर नहीं है, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, पर नीचे की तरफ 19,380 से लेके 19,362 तक अगर मार्केट 15 या 20 मिनट का वक्त बिता जाए और नीचे की तरफ ये लेवल टूटता हुआ नजर आए, तुरंत शॉर्ट कर देना है लेवल। मार्केट के अंदर आपको जो देखने को मिलेगी, जो मार्केट के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी नीचे की तरफ, कहां तक मिल सकती है, क्योंकि नीचे की तरफ आपकी ये वाली ट्रेड लाइन फिर ब्रेक हो जाएगी। मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो ये वाली ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं 19,362 का लेवल नीचे की तरफ ये ब्रेक हो जाए, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है, तो फिर आपको मूवमेंट मिल सकती है 19,220 तक की, ठीक है। बात करें ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट कहां आ सकती है, तो उसके लिए चलते हैं हम वन होर्स पर क्या देखने को मिल रहा है। तो वन होर्स का हिसाब किताब ऐसा है कि जब तक मार्केट ऊपर की तरफ
उन्नीस हजार 620 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, 19,620 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली नहीं है आपको। अब मार्केट कहाँ ओपन होगा वो कल की बात है, पर जब तक आपका ये लेवल जिंदा है तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट हो ही नहीं सकती। बाकी की अगर आप फाइन निफ्टी के अंदर ट्रेड जानना चाहते हो कल कल के दौरान एक्सपायरी के अंदर हीरो जीरो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, अगर आपका मन कर जाए, दिल कर जाए हृदय की गहराइयों से, और ज़्यादा मन कर जाए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम साहब।